हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ संध्या आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर का वाटरप्रूफ मेकअप लुक फॉर ऑल माई लवली गर्ल्स एंड लेडीज़ जिनको मेकअप बहुत पसंद है या किसी पार्टी में जाना है मेकअप करना है एंड कोई भी आउटफिट के साथ कोई भी मेकअप करना है सो so, आप ये वाला लुक ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये लुक ऐसा लुक है जो आप किसी भी ड्रेस किसी भी आउटफिट किसी भी एथनिक मॉडर्न वेयर या वेस्टर्न वेयर के साथ आप वेयर कर सकते हैं का इस वीडियो में यूज़ किए गए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैंशन कर दूंगी सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड इस मेकअप की शुरुआत करने के लिए मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर कोई भी लुक करने के लिए गाइस स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपने हाथों से नेक्स्ट मैं यूज करूंगी लोटस का सेफ सन सनस्क्रीन लोशन गाइस समर लुक कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम सनस्क्रीन लोशन को कैसे भूल सकते हैं तो इसको भी मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करके अपने एक्सपोज एरिया पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड करते करते अपने नेक एरिया पे भी इसको जरूर ब्लेंड करूंगी नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लैक्टो का कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन मॉइस्चराइजर ये मॉइस्चराइजर भी समर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है एंड जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लैक एब्सोल्यूट एप्सोल्यूट प्राइमर और मैं अपने टी जोन एरियाज पे फोकस कर रही हूँ जहाँ पे मेनली मुझे लगता है कि जहाँ पे मुझे स्वेट का प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेब्लिन का लिप बाम अपने फेस को अगर हम मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं तो अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी है नाउ वंस माय स्किन स्प्रेब मैं यहाँ यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड बीच डॉल जो एक स्पेचुला के साथ हमें मिलता है इसी से ही मैं अपने फेस पे पूरी तरह से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस एरिया पे अपने नेक एरिया पे अपने फोरहेड पे एंड एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड कर लूंगी ताकि ये पूरी अच्छी तरह से मेरी स्किन पे ब्लेंड हो जाए एंड पूरे फेस पे ब्लेंड करते करते साथ ही साथ मैं इसे लेके जाऊंगी अपने नेक एरिया पे नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेबलिन फिटमी का कंसीलर इन द शेड ट्वेंटी फाइव मीडियम एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं अपने कंसीलिंग एरियाज पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एंड अपने पूरे फेस को पैक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का कॉम्पैक्ट एंड इसी को एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर नेक्स्ट में लूँगी वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द एयर पैलेट एंड इसमें से ये लाइट ऑरेंज ट्रांजिशन शेड लेकर अपनी क्रीज लाइन पर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी एक अच्छा सा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके अपनी क्रीज लाइन में मैं इसको अच्छा सा ब्लेंड करूंगी और साथ ही साथ एक विंग लुक देने की भी कोशिश करूंगी नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हिलारी रोडा का पैलेट इसमें इस लाइट पिंक शेड लूंगी एंड इसको अपने सिर्फ इनर कॉर्नर के साइड ही मैं ब्लेंड करूंगी मैं पूरे क्रीज पे या पूरे आईलेट पे इसको ब्लेंड नहीं करूंगी एंड साथ ही साथ मैं इसको अपने आउटर कॉर्नर पे भी ब्लेंड करूंगी और एक विंग लुक देने का ट्राई करूंगी इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी देन एक फ्लफी ब्रश लेके मैं अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कि कहीं भी एक्स्ट्रा ना लगा हो या कोई भी हार्श लाइन हो तो वो स्मूथ लगे नेक्स्ट मैं लूँगी निका के न्यूयॉर्क का आई शेडो पैलेट इसमें से ये शिमर सिल्वर कलर लेके अपने सिर्फ सेंटर लिट पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी एंड एक सेम ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको स्मूथली ब्लेंड कर लूँगी नेक्स्ट मैं लूँगी नेक्स का काजल जो है नेवी ब्लू कलर का एंड इसको अपनी वाटर लाइन पर मैं अप्लाई करूँगी एंड सेम ब्लेंडिंग ब्रश लेके पिंक कलर से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी नेक्स्ट फॉर माय आईज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एसेंस का स्केच लाइनर पेन एंड मैं हल्का सा विंग देते हुए एक सिंपल आई लुक लगाऊँगी नेक्स्ट फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल इन द शेड एश ब्राउन मेरी आई मेरी आईब्रोज ऑलरेडी वेरी ब्लैक है सो मैं जस्ट गैप्स को फिल करूंगी या कहीं पे भी शेप की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पे जस्ट शेप दूंगी नेक्स्ट फॉर माई कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग एले कलर्स का कंसीलर इन द शेड फॉन इसको मैं अपने कॉन्टोरिंग के लिए ही यूज़ करूंगी एंड अपने चीक बोन्स पे एंड अपने नोज़ पे मैं इसको अप्लाई करके एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी नेक्स्ट फॉर माई चीक्स आई एम यूजिंग मेबलिन का मास्टर ब्लश पैलेट एंड इसमें से पिंक शेड लेके मैं अपने चीक्स पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी एज मुझे ये लुक ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको सिंपल दो लुक दूंगी नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से टील ग्रीन शेड लेते हुए अपने इनर कॉर्नर्स पे इसे अप्लाई कर लूंगी आपका जो भी ड्रेस है आप उसके अकॉर्डिंग आप कलर्स चूज कर सकते हैं नेक्स्ट मैं लूंगी लैकमे का आइकॉनिक मस्कारा एंड इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी नेक्स्ट सेम मास्टर ब्लश पैलेट में से हाइलाइटर लूँगी एंड अपने फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने चीक बोन्स पे अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ अपने क्यूपिड बो एंड अपने चेन एरिया अपने फोर हेड्स पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड अगर आपका नेक डीप है आपका ड्रेस का नेक डीप है तो अपने कॉलर बोन्स पे भी आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं एक पॉप अप शाइन देने के लिए नेक्स्ट मैं एक क्लीन uh, हैंकी की हेल्प से अपने लिप्स को क्लीन करते हुए मिस क्लियर की लिप लाइनर यूज कर रही हूँ इन द शेड एल थर्टी टू पिंक एंड अपने लिप्स को मैं अच्छे से फाइन शेप दूंगी एंड साथ ही साथ मैं मेबलिन के लिपस्टिक की हेल्प से अपने लिप्स को अच्छे से फिल कर लूंगी एंड यहीं पे हमारा लुक खत्म होता है एंड मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे फ्रॉम स्विस ब्यूटी <laughs> सो so गाइज़ ये था मेरा सामा का मेकअप लुक गाइज़ इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड आपको पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल टिल देन बाय